उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान टाटा कंटेनर में अवैध शराब ले जाते दो लोगों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद पुलिस अधीक्षक ने फिरोजाबाद एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्र अधिकारी शुकवाबाद के निर्देश में मई 10/4/8 को संगीत व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग के दौरान SHO मक्खनपुर में पुलिस फोर्स के चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान नेशनल हाईवे नंबर 2 पर मुखबिर की सूचना मिली कि फिरोजाबाद की तरफ से टाटा कंटेनर में अवैध शराब लदी हुई कंटेनर आ रही है, जिसे मक्खनपुर पुलिस फिरोजाबाद की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग करने लगे, जिससे कंटेनर ड्राइवर ने चेकिंग देख त्राहे से पहले ही रोक लिया और चेकिंग की तो उससे में से 550 पेटी 26,400 क्वार्टर शराब जिनकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम यूसुफ निवासी खरदौनी थाना इचोली जनपद मेरठ बताया था तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नीरज बताया। गाड़ी में 550 पेटी शराब बरामद हुई है। पूछताछ में दोनों ने बताया ये शराब हम लोग पानीपत से अपने मालिक के कहने पर लेके आए हैं और यही कस्बा व शहरों में सप्लाई करते हैं। बरामद पेटी में रेस विस्की मेड इन हिमाचल प्रदेश फोर सेल ओनली इन अरुणाचल प्रदेश अंकित है। गिरफ्तार करने वाली टीम पर भारी निरीक्षक श्री सुजात हुसैन सोनवर सिंह प्रेम शंकर जय सिंह और भूपेंद्र मै फोर्स के मौजूद थे। ये यहाँ बेचते हैं और इसको क्या करते हैं, ये इसका अपना रैपर बदल के यूपी वाला फर्जी तरीके से इसका रैपर भी बना देते हैं। तो जैसा कि अभी शिकवाबाद में इसके पहले पकड़े गए थे, तो सर इसमें कॉपी का भी इसमें 420 धारा लगी हुई है। और फिरोजाबाद से कैमरामैन सुमेश यादव के साथ रिहान खान की रिपोर्ट।